वेलकम टू एडूजोस। एडूजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए एसएससी बिहार की जो 10+2 लेवल का एग्ज़ाम है वो जुलाई में संभावित है, तो जुलाई में एग्ज़ाम होगा, जुलाई 2018 में। तो इस काफ़ी पुरानी वैकेंसीज है, 2014 की वैकेंसीज है, तो इसके लिए सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न एक बार जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी लोगों ने बहुत पहले देखा होगा, बहुत लोगों के पास नोटिफिकेशन होगा या नहीं भी होगा, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस क्या होगा, ठीक है, कितने किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन सी बुक जो है आपको पढ़नी चाहिए। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जितनी भी 17,000 के आसपास वैकेंसीज है उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो दो चरणों में पहले परीक्षा होगी। परीक्षा दो चरणों में होगी, ये क्लियर कर लीजिए। एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद मेंस होगी, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेबस होंगे वो इस तरह से होंगे। देखिए सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे 50, सामान्य विज्ञान एवं गणित, ये याद रखना, जनरल साइंस और मैथ्स, इसको मिलाकर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रीजनिंग जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है, या मेंटल एबिलिटी कहिए या कॉम्प्रिहेंशन कहिए या लॉजिक कहिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन कितने पूछे गए, 150। एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा, टोटल कितने हो गए, 600 मार्क्स। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। देखिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। परीक्षा की अवधि जो है वो 2 घंटे 15 मिनट की होगी, यहाँ पे लिखा है, देखिए 2 घंटा 15 मिनट। और जो क्वेश्चन पेपर पूछा जो है वो होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में होगा। लेकिन अगर अंग्रेजी माध्यम को वो प्रायोरिटी दे रहे हैं कि अगर हिंदी माध्यम में किसी तरह की गलती है प्रश्न पत्र में तो आप इंग्लिश को भी ज़रूर देखें, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन अक्सर सही हुआ करते हैं, तो वो इंग्लिश के क्वेश्चन को ही मानेंगे कि वो सही है। और हिंदी का क्वेश्चन अगर गलत है तो आप ये नहीं क्लेम कर सकते हैं कि क्वेश्चन गलत था, तो इसलिए आपको इंग्लिश के क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना होगा। अच्छा, अब आइए बात करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वो पुस्तक सहित ली जाएगी, ये हम आपको बता चुके हैं। कोई भी आप 3 पुस्तक लेकर जा सकते हैं, वो हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। यानी आप साइंस से एक पुस्तक ले जा सकते हैं, उसके बाद आप देखिए साइंस और मैथ दोनों जो है वो एक ही सेक्शन में आ रहा है, इसलिए साइंस की बुक ले जा सकते हैं या फिर मैथ्स की ले जा सकते हैं। उसके बाद जीएस के सेक्शन में से आप जो कि आपका जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है उसमें से कोई भी एक भूगोल या इस तरह की जो बुक है, यानी आप ज्योग्राफी हिस्ट्री के लिए जो कंबाइंड बुक आती है वो ले जा सकते हैं। उसके बाद आप रीजनिंग की बुक तो आप लोग को ऐसे ही आती है, तो कोई भी 3 बुक आप ले जा सकते हैं, ईच सेक्शन में से एक एक बुक अलाउ है। उसके बाद देखिए अब बात करते हैं सिलेबस की, प्रारंभिक सिलेबस जो होगा वो कैसा होगा। तो पहला जो है सामान्य अध्ययन है, जिसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो 50 होगी और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे, ठीक है, आसपास जो भी घटनाएं होती हैं उससे रिलेटेड है। देखिए इसमें सबसे पहले इन्होंने लिख दिया है समसामयिक विषय, जिसमें वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, उसके बाद भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, तो ये तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है भारत और उसके पड़ोसी देश में जिस उसका इतिहास है वो याद रखना है, भारत का इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, आर्थिक परिदृश्य पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है, ठीक है। उस तरह से फिर भारतीय कृषि है, प्राकृतिक संसाधन है एवं विशेषताएं हैं, भारत का संविधान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राज व्यवस्था है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी से। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायती राज, बिहार के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंचायती राज, तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा, इसके लिए हम वीडियो भी लेकर आएंगे आपके लिए। उसके बाद देखिए सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार का योगदान, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ज़्यादातर बिहार के क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके पड़ोसी देशों के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा भाग है खंड क और घ, उसकी बात करते हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए खंड ख में अब जो सेकंड है इसमें सामान्य विज्ञान एवं गणित, ये कंबाइंड है ये आपको पता है, इसमें मैट्रिक स्तर के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैट्रिक स्तर के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरह से होंगे, देखिए सामान्य विज्ञान के अंदर क्या होगा, भौतिक शास्त्र है यानी फिजिक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और साथ में इन्होंने यहाँ पे भूगोल भी ऐड कर दिया है, ठीक है। हालांकि ये उन्होंने पहले भी ऐड किया, भूगोल यहाँ पर ना ऐड होकर के यहाँ पर आप पर्यावरण से रिलेटेड बात मान सकते हैं। उसके बाद देखिए गणित है, गणित में संख्या पद्धति से रिलेटेड यानी नंबर सिस्टम, उसके बाद आपको देखिए इंपॉर्टेंट है दशमलव, ठीक है, उसके बाद भिन्न है, उसके बाद कुछ परस्पर संबंध है, मूल अंक, गणितीय संक्रियाएँ हैं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभहानि, ठीक है। ब्याज में सब आ जाता है, देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही आता है,
तो उसके बाद देखिए मानसिक क्षमता, जिसको खंड ग में लिया गया है, यानी रीजनिंग के क्वेश्चन। तो इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको दृश्य स्मृति होगी, कुछ वर्बल और कुछ नॉन वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें मैथमेटिकल टाइप से भी क्वेश्चन होंगे, जो सीरीज के क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में। आप सभी लोग बैंकिंग या एसएससी की तैयारी करते हैं तो आप सबको पता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए परीक्षा जो है वो दो चरणों में होगी, तो पहले चरण में कितने लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो जैसे 17,000 के आसपास वैकेंसीज हैं, तो इसके लगभग 5 गुना को सेलेक्ट किया जाएगा, यानी 85,000 लोगों का सिलेक्शन होगा। और उसके बाद उन्होंने मेंस के लिए जिन लोगों को सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए बाद में मुख्य परीक्षा के लिए अलग से विज्ञप्ति, यानी अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा, और उसके बाद वहाँ पर फिर से एग्ज़ाम होगा मेंस के लिए। अब बात करते हैं कुछ पुस्तक्स की, बुक्स आप कौन कौन सी पढ़ें। तो बुक्स मैं रिकमेंड करूँगा, जैसे देखिए मार्केट में आपको प्लेटफॉर्म की बुक मिल रही होगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। किरण प्रकाशन की बुक मिल रही होगी, आप उसके प्रैक्टिस सेट पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ल्यूसेंट, जो कि नॉर्मली सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए होता है, ल्यूसेंट्स की जीके और जीएस, आप इससे आराम से पढ़िए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप रेफरेंस के तौर पर एनसीईआरटी की बुक्स को आप ज़रूर पढ़िए, अगर समय है आपके पास तो एनसीईआरटी की बुक्स 9th और 10th की बुक ज़रूर पढ़िए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, साइंस और जो कि ज्योग्राफी और साइंस और सोशल साइंस की जो बुक्स होती है 9th और 10th की, ये ज़रूर पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चंस इन्हीं से ज़्यादातर रेज होकर आते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको कोई भी वीडियो जब हम बनाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जल्दी हम कुछ क्वेश्चन जैसे पंचायती राज और अन्य कुछ वीडियोज़ हैं पुराने पिछले प्रश्न के साथ कुछ वीडियो लेकर हम आएंगे, जो पिछले साल पूछे गए प्रश्न कैंसिलेशन हो गए थे जो एग्ज़ाम, तो उस तरह के प्रश्न और जो भी बीएसएससी के द्वारा पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्नों का संग्रह हम एक वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।